किसानी अंदोलन के संदर्भ के लखीमपुर खीरी यूपी की घटना यूपी कांड एक वड्डा भूचाल बनया। इस घटना तो बाद सियासत गरमा गई। किसानी अंदोलन किसानी आगू एक बार मुड़ तो चर्चित हुए। हुण एक बार फिर इस घटनाक्रम नूं लैके सियासत भखदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा नूं हाले तक ना तो उसके अहुदे तो बर्खास्त किया गया, ना ही उस नूं कोई सज़ा दिती गई। इस मसले च कल बीते दिन 26 अक्तूबर नूं देश भर दे विच रोस प्रदर्शन किसानों वालों किए गए, जिसकी अगवाई किसान आगुआं ने की। उधर ही हुण किसान आगू जगजीत डल्लेवाल ने एक वीडियो जारी करके सुनेहा दिता है भी यूपी की सरकार अजय मिश्रा नूं बचाउण दे विच लगी हुई है। अजय मिश्रा अपने पुत्र आशीष मिश्रा नूं बचाउण दे विच लग्या होया। सो इस सारे घटनाक्रम का नतीजा यह निकल रहा है भी जांच जिहड़ी हो रही है वो किसानों के खिलाफ जाती विख रही है, क्योंकि अजय मिश्रा इस वेले भी केंद्रीय राज मंत्री अपने अहुदे ते काबज है। वो जांच अधिकारियों के तबादले करवा रहा, जिहड़े गवाह ने उन्होंने उत्ते दबाव परवा रहा। सो यानी कि इस मामले नूं हरेक तरीके दे नाल प्रभावित कर रहा। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह सारे मुद्दे इस वीडियो के विच चर्चा की है। उन्होंने दस्या भी किस तरीके अजय मिश्रा इस सारी जांच पड़ताल नूं तार पीड़ो कर रहा। किसान दोस्तों सत श्री अकाल, आपां सारयां नूं इस गल दा पता है कि जिस तरीके दे नाल यूपी दे तिगुणियां दे इलाके दे विच डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी दे इलाके दे विच पिछले दिनां दे विच 3 तरीक नूं साढ़े किसानां नूं बीजेपी दे गुंडियां ने अजय मिश्रा दे बेटे ने किस तरीके दे नाल अपनियां गड्डियां चढ़ा के लताड़ के शहीद किया गया। आपां वार वार मंग करदे आ रहे हैं उस दिन तो लैके कि अजय मिश्रा नूं बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अजय मिश्रा का उस तो कुछ समा पहला का जिहड़ा बयान है वह अपने आप इस गल की शाही दिंदा है कि सारी घटनाक्रम के पिछे जो जिम्मेदारी बनती है, जो उसका इशारा बनता है, जो उसका थापड़ा बनता है, वह उस अजय मिश्रा साडे उप गृह मंत्री जी का बनता है। लेकिन उन्होंने हजे तक भारत सरकार ने अपने उस पद ते ज्योंदी त्यों बना के रखे, जिस दे कारण वह लगातार साडी उस पड़ताल नूं साडी उस केस की मुकदमे की पैरवाई नूं प्रभावित कर रहा है। इत्थों तक कि उत्थे ईमानदार अधिकारी जिहड़े भी कोई आए उन्होंने तबादले करवा करवा के उन्हां अधिकारियों नूं उत्थे लवाया जा रहा है जिहड़े अधिकारी अजय मिश्रा के हत्थां दे विच खेडण वाले ने, और वह आके अज उत्थे साडे किसानां नूं तंग परेशान करना शुरू किया होया। उन्होंने लोगों वालों असीं देख रहे हैं, रोज खबर आ रही ने कि अज दो किसान अरैसट कर ले, अज फिर दो अरैसट कर ले। वह जो कुछ हो रहा है उन्हूं समझन की लोड़ है कि उत्थे वह घटना वापरी, शांतमई तुरे जाते किसानों के उत्ते मगरों जाके गड्डियां चढ़ा के रौंद के किसान शहीद कर दिते गए। तो जो घटना वापरी, जिनी उस तो बाद की घटना वापरी, वह सारी की सारी घटनाक्रम जन्म देने वाले वो अजय मिश्रा का बेटा और अजय मिश्रा खुद ने। सो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी बनती सी, और उन्होंने खिलाफ कार्रवाई ना करके उन्होंने उस तरह पद ते परोस के रख के और अज उस साडी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी उस केस की उस मुकदमे की साडे शहीद होए किसानां नूं इंसाफ दिवाउण दी उन्हूं अज बुरी तरह प्रभावित किया जा रहा है, और साडे जिहड़े अगवा ने अगवावां दे उत्ते हर तरीके दे नाल दबाव प्रैशर बनाउण दी कोशिश की जा रही है, और यह बर्दाश्त तो बाहर है। देश भर के किसानों नूं इस मामले दे उत्ते एकजुट होण दी लोड़ है। मैं यूपी दे समूह किसान वीरां नूं अपील करूंगा कि इस वेले जाति धर्म या किसी होर आपसी वखरेवियां नूं लंबे करके इस वेले लोड़ है कि पूरी किसान जमात मजदूर जमात एकजुट होके खड़ीए, और उस एकता दे विच्चों असी हर तरह के होण वाले धक्के का असी मुकाबला करना है, और मुकाबला ता ही हो पाएगा जे असी सारे
एकजुट नजर आवांगे। सो इसलिए असी पंजाब हरियाणा यूपी इन्हां स्टेटां दे विचों भी किसानां नूं अपील करांगे, उत्तराखंड के किसानां नूं अपील करांगे कि साडे उस इलाके दे किसानां नूं प्रोटैक्शन देण दे लई किसे भी वेले संयुक्त मोर्चे वालों कॉल आ सकती है कि अगला प्रोग्राम दिता जा सकता है। सो साडी अपील है कि असी सारे तैयार बरतैयार रहिए, किसी भी वेले कोई भी किसी तरह की भी कोई उस साडे किसानां नूं साडे शहीदां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई सानू कॉल देनी पै सकती है और उहदे लई आपां सारे तैयार बरतैयार रहना है, तैयार बरतैयार रहिए ताकि आपां अपने उन्हां किसानां नूं इंसाफ दवा सकीए, उन्हां परिवारां नूं इंसाफ दवा सकीए और वह जिहड़े साडे मौके दे अगवाह ने आई विटनेस ने वह भी बेझिझक बेधड़क निडर होके आपदी गल सुप्रीम कोर्ट के जरिए या कोर्ट के कोले रख सकन ताकि आपां इंसाफ ले सकीए।